नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको राजस्थान जैसलमेर के एक ऐसे स्थान पर लेकर आ गया हूं जिसका जिक्र और जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले वो चमत्कार आ जाएगा जो 1965 और 1971 के समय में माता रानी ने हमारी भारतीय सेना के लिए किया था। दोस्तों आज हम लोग पहुँच चुके हैं श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर में और दोस्तों ये जो मंदिर है वो इतना ज़्यादा चमत्कारी है और माता रानी की शक्ति की वजह से ही दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे हमारी भारतीय सेना ने। तो पूरा इतिहास आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तनोट माता के जो दरबार का बाहरी नज़ारा है वो आपको दिखा देना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो पूरा मंदिर है वो आज के समय में जो हमारी भारतीय सेना है BSF के द्वारा ये हैंडल किया जाता है और BSF के जितने भी सैनिक हैं माता रानी के दर्शन करते हैं और अपनी लंबी आयु के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए भी माता रानी के दरबार में आते हैं। तो यहाँ पर एक रिसेप्शन बनाया गया है जहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी यदि आप पास में बने हुए बॉर्डर पे घूमना चाहते हो। यहाँ से भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो तकरीबन 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन जो भारतीय जो जा सकते हैं घूमने के लिए उस बॉर्डर पे वो तकरीबन 22-23 किलोमीटर पर है। आप इस मंदिर के अंदर का नज़ारा और पहले यहाँ पर आप इस इतिहास को देख लीजिए जो कि माता रानी के इतिहास में सारी बातें आज आपको देखने को मिलेगी कि विक्रम संवत 888 में तनोट दुर्ग एवं मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई गई थी। और इसका जो पूरा इतिहास है दोस्तों वो यहाँ मिलेगा कि आवड़ देवी के रूप में माता तनोट को पूजा जाता है और यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो एक माता का नाम यहाँ लिखा हुआ है श्री हिंगलाज। ये वही माता है जिन माता के नंगे पैर 7 बार एक यहीं का निवासी था उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए दर्शन किए थे। वर्तमान समय में जो हिंगलाज माता का मंदिर है वो तो आता है आपका बलूचिस्तान में जो कि पाकिस्तान के अधीन में है। तो जब माता रानी ने उसको सपने में कहा कि भाई तुझे पुत्र चाहिए पुत्री चाहिए, तो व्यक्ति ने कहा कि आप ही मेरे घर पर विराजमान हो जाइए। तो उस व्यक्ति का नाम था मामडान और चारण यानी कि जो चरवाहे होते हैं। तो मामडान के घर पे माता रानी ने रूप लिया और उनके 7 पुत्री हुई, 1 पुत्र हुआ। उन 7 में से ही आवड़ माता के रूप में तनोट माता को पूजा जाता है और तनोट माता का जो मंदिर है वो अंदर से आज आपको इतना अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आने के बाद में अब हम उस चमत्कार को देखने चल रहे हैं दोस्तों कि जब 1965 का वो युद्ध हुआ था हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ में, तो पाकिस्तान की सेना ने आसपास के इलाकों में अपने गोले और मिसाइल से बमबारी करके यहाँ के लोगों को इतना ज़्यादा डरा दिया था और इस हिस्से को वो कब्जाना चाह रहे थे। तो उन्होंने कुछ जो मिसाइल थी या जो कुछ गोले थे वो आसपास के गांव को उजाड़ने के लिए फेंकने लगे। तो काफ़ी सारे जो गोले थे मिसाइल थी वो इस मंदिर परिसर के अंदर आकर गिरी, लेकिन चमत्कार की बात ये तब ज़्यादा बनती है जब उन मिसाइल्स और गोलों में से एक भी मिसाइल नहीं फटी, किसी में भी ब्लास्ट नहीं हुआ। और उन सभी मिसाइल्स को आज हम यहाँ पर साक्षात तौर पर भी देखेंगे, माता रानी के दर्शन भी करेंगे। तो हम माता रानी के दर्शन करने के लिए मुख्य इस स्थान में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि राइट और लेफ्ट की तरफ में जितने भी पिलर बनाए गए हैं यहाँ पर माँ के अलग अलग रूप स्वरूप अलग अलग नेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से माँ शैलपुत्री, माँ चंद्रघंटा, माँ स्कंद माता, माँ कालरात्रि, माँ कात्यानी, माँ महागौरी, महा कुशमांडा और माँ ब्रह्मचारिणी। तो पूजनीय माता के दर्शन करने के लिए हम अंदर की तरफ आ गए हैं।
यहाँ पर मंदिर का जो इतिहास है दोस्तों वो आपको बहुत बारीकी के साथ में देखने को मिलेगा। दो अलग अलग बोर्ड लगाए गए हैं, एक बोर्ड ये है जो कि 65 के युद्ध के बारे में बताता है और दूसरे बोर्ड पे आपको जो सिसोदिया का जीवन परिवार है गुमान सिंह जी उनसे संबंधित आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और माता रानी के दर्शन करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे जो BSF सेना के जवान हैं यहाँ पर आए हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बार यहाँ पर वो सारी डिफ्यूज़ हुई पाकिस्तानी सैनिकों की वो मिसाइल दिखाता हूँ जो माता रानी के चमत्कार के बाद यहाँ पे नहीं फटी थी। ये इतिहास के झरोकों में उस समय के कुछ टैंक दिखाए गए हैं भारत पाकिस्तान के, और इस टैंक के नीचे वाले इस यदि आप फोटो को देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे सैनिकों की एक टुकड़ी दिखाई गई है और इस टुकड़ी के साथ में ही यहाँ पर आप देखिए हमारे सैनिक। और ये वो मिसाइल्स हैं, ये वो बम हैं जो पाकिस्तानी दुश्मनी सेना ने हमारे जैसलमेर के तनोट माता मंदिर के आसपास फेंके थे, लेकिन इनमें से एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये कुछ और भी मिसाइल्स रखी हुई हैं। दोस्तों सामने की तरफ आपको एक व्यक्ति की फोटो दिख रही है भैरव सिंह राठौर जी की, और बॉर्डर फिल्म में जो सुनील शेट्टी द्वारा जो किरदार निभाया गया था वो रियल जो व्यक्ति थे वो यही थे जो खुद को लास्ट में बम लगा के उड़ा लेते हैं और सैनिकों को ढेर कर देते हैं। यहाँ पे इतिहास की झरोकों में 1971 का वो युद्ध और उसकी काफ़ी सारी कैप्चरिंग, ये देखिए कितने सारे यहाँ पे बम आज भी रखे गए हैं। उस समय की काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और आपने यदि बॉर्डर मूवी देखी होगी तो उस बॉर्डर मूवी को देखने के बाद में आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि वो जो समा था वो कैसा रहा है। और यहाँ पर यदि मैं आपके सामने तनोट राय माता जी की एक बहुत पुरानी तस्वीर यहाँ पर बनी हुई है जो कि 1971 के वक्त की है, यहाँ पर देखेंगे हमारे सैनिक। और नीचे की तरफ सवाई श्री गुमान सिंह सिसोदिया जी की जो 1939 और 2013 तक उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांसें ली, और उनका जो संबंध है वहाँ पे हमने इतिहास में देखा था तो वहाँ आपको देखने को मिला था। तो काफ़ी सारी यहाँ पे जो स्मृति चिन्ह है वो आसपास की हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब हम एक बार ऐसे सर्कुलर लेंगे और माता रानी के दर्शन भी करेंगे, और माता रानी के चमत्कार को देखने के बाद में हम लोगों से रहा नहीं गया इसलिए हम दिल्ली से चले और जैसलमेर में इस स्थान पर माता रानी के दर्शन करने के लिए आ गए। तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, बीरेश्वर महादेव जी का यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है, अंदर की तरफ शिवलिंग स्थापित है। और इस मंदिर के निर्माण से संबंधित कुछ जो बातें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं रोककर। और माता रानी के अब हम करते हैं दर्शन, पूजनीय हमारी माता रानी। ये देखिए दोस्तों कितने सुंदर रूप में स्वरूप हमारी चमत्कारी माता तनोट माता। और इन्हीं के चमत्कार की वजह से 1965 के युद्ध में हमारे भारतीय सेना ने दुश्मनी सेना की छक्के छुड़ा दिए थे, और माता रानी के आशीर्वाद से हमें सभी युद्धों में जीत भी मिली है। और इसी वजह से आज ये पूरा जो मंदिर है हमारे भारत के वीर जवान, हमारे भारत की एक शक्ति, हमारे भारत की BSF इस मंदिर को संचालित कर रही है। यहाँ पर विधि विधान से पूजा का जो काम है वो भी BSF के हमारे जवानों के द्वारा किया जाता है। तो नमस्कार सर जी। सर जी थोड़ा सा आप हमें मंदिर के चमत्कार और अपने वास्तविक जीवन के बारे में बताएंगे कि आपको कैसा लगा यहाँ पे, मतलब आप पुजारी हैं या यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हैं तो माता रानी के छत्र छाया में आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, सुकून मिलता है। तो कितने वक्त की आप पूजा करते हो यहाँ पे? तो दोनों टाइम, दोनों टाइम करते हो। और माता रानी का जो चमत्कार है उस चमत्कार के बारे में कुछ बताइए ना, वहाँ पर लिखा है उस पूरे, पूरा ठीक है। तो सर ने हमें कहा कि जो हमने बोर्ड पे पढ़ा था वो माता रानी का चमत्कार जितने भी हमने देखे थे, वो मिसाइल जो डिफ्यूज हुई थी सारी वो हमने वहाँ पे देखी भी, तो जो आज भी रखी है। हम एक बार बाहरी हिस्से से माता रानी के प्रदक्षिणा पथ कर लेते हैं, बाहरी हिस्से में हम घूम लेते हैं। यहाँ पर आ जाइए, तो ये इस मंदिर का पिछला भाग है, यहाँ पे भी कुछ देखते हैं।
दोस्तों माता रानी के दरबार को रुमाल वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर लोग यहाँ पे अपनी जो मन्नतें मांगते हैं उसके लिए लोग यहाँ पे काफ़ी सारे जो रुमाल बांधते हैं, या उनकी जब मन्नत पूरी हो जाती है तब वो बांधने आते हैं। तो देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको केवल और केवल मन्नतों के रुमाल बंधे हुए दिखाई देंगे, और माता रानी की जो ये शक्ति है, माता रानी का जो ये आशीर्वाद है सभी लोगों पर, उनको हम सत सत नमन करते हैं। और हम काफ़ी भाग्यशाली भी हैं कि हमें तकरीबन अपने दिल्ली से 1100-1100 किलोमीटर दूर आकर माता रानी के इतने सुंदर दर्शन हुए, उस इतिहास को जानने का मौका मिला जिसकी वजह से हमारी भारतीय सेना सभी युद्ध में अपने दुश्मनों को पछेड़ देती है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। अगली वीडियो लेके आएंगे किसी दूसरे भाग की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।